साल 2011 में एक दिन जब 18 साल का मारवाड़ी लड़का एक होटल को देख रहा था तो उसने नोटिस किया कि होटल की बिल्डिंग तो बहुत बड़ी थी लेकिन उसमें रहने कोई नहीं आता था। जिसका कारण जानने के लिए जब वो लड़का अंदर गया तो उसे पता चला कि होटल के रूम इतने अच्छे नहीं है कि वो कस्टमर को एक परफेक्ट सेटिस्फेक्शन दे सके। इस समस्या को देखने के बाद उस लड़के ने होटल के मालिक के सामने ये प्रपोजल रखा कि अगर वो उसे कुछ पैसे दे देंगे तो वो होटल को रिफर्निश करके इतना शानदार बना देगा कि उनके यहाँ कस्टमर्स की भीड़ लग जाएगी। होटल तो वैसे भी नहीं चल रहा था। मालिक ने सोचा क्यों ना जवान खून में पैसा डाल ही दिया जाए। और खुश किस्मती से पैसे मिलने के बाद उस लड़के ने अंदर के कमरों को इतना अच्छा लुक दिया कि रिनोवेशन के कुछ ही महीने बाद यहाँ ग्राहक आने लगे। मारवाड़ी लोग वैसे भी बिजनेस माइंडेड होते हैं, इसी वजह से लड़के ने इस फील्ड को भी एक अपॉर्चुनिटी देखकर काफी सारे होटल को यही सर्विस दी। लेकिन इस बार उनसे बदले में पार्टनरशिप भी लेने लगा। देखते ही देखते आइडिया बिजनेस में बदल गया और बंदे की कंपनी भी ऐसी चली कि 26 साल की उम्र में वो भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का दूसरा यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रितेश अग्रवाल की, जिनकी कंपनी ओयो एक समय पर भले ही भारत की सबसे बेहतरीन स्टार्टअप कंपनी थी, लेकिन आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो कंपनी 2023 में ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट करने वाली थी उसकी आज खुद की कमाई के लाले लगे हुए। वेल, मैं हूँ सैम, और ऐसा क्या हो गया जिसका फ्यूचर इतना ब्राइट था कि दुनिया की नंबर वन कंपनी बन सकती थी, वो आज डूबने की कगार पे है। क्या ये ओयो के मालिक रितेश की गलती थी या किसी ने फ्रॉड किया? जानेंगे पूरा सच, साथ ही बताएंगे कुछ ऐसे लेसन जिसे आप अपनी जिंदगी में लगा सकते हैं। तो ओयो की प्रॉपर जर्नी शुरू होती है साल 2013 में, जब गुड़गांव में इस कंपनी को ऑफिशियली लॉन्च किया गया विद अ फंडिंग ऑफ $100,000, बोले तो 70 से 80 लाख रुपए। इस रकम के साथ ओयो ने अपना मेन फोकस एक्सपेंशन को दिया और टायर वन सिटीज जैसे मुंबई और दिल्ली के साथ शुरुआत करते हुए कई टीयर टू सिटीज में भी उन्होंने एक के बाद एक होटल के साथ पार्टनरशिप करनी शुरू की, ताकि ज्यादा से ज्यादा घूमने वाली जगहों में लोगों को सस्ते दामों में बेस्ट एक्सपीरियंस हमेशा ओयो प्रोवाइड कर सके। 2015 आते आते ओयो धीरे धीरे इनकम तो जनरेट कर रहा था, लेकिन लोगों के दिमाग में इसकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं थी। और यही कमी अप्रैल 2015 में पूरी हुई, जब एक बहुत ही सिंपल से यूजर इंटरफेस के साथ ओयो ने अपना खुद का ऐप लॉन्च किया और एड कैंपेन्स में भी ये बात कही कि उनके पास 100 शहरों में 2000 होटल के साथ 20,000 से भी ज्यादा कमरे यूजर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल है। और बस फिर क्या था, देखते ही देखते ओयो की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि इंडिया जैसे बड़े मार्केट में जो होटल सेक्टर अनऑर्गेनाइज था, ओयो ने उसको इतनी बड़ी मोनोपोली के साथ डोमिनेट कर लिया कि सिविलाइज्ड लोग होटल्स नहीं बल्कि प्रॉपरली ओयो रूम्स को अपनी प्रायोरिटी बनाने लगे। और इसी के बाद शुरू हुआ ओयो का गोल्डन पीरियड। जुलाई 2015 में सॉफ्टबैंक से इन्वेस्टमेंट उठाने के बाद इन्वेस्टर्स के मोटिवेशन और अपने कॉन्फिडेंस से रितेश अग्रवाल ने ओयो को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाने की शुरुआत करी, जहां जनवरी 2016 में उन्होंने मलेशिया में अपनी चैन की स्टार्टिंग करके पहली बार भारत के बाहर पांव फैलाने शुरू किए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जनवरी में ही ओयो ने भारत में 10 लाख चेक-इन्स का आंकड़ा पार किया, जो किसी भी होटल कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। मलेशिया में अपनी सक्सेस को देखते हुए 2017 में ओयो नेपाल में मार्केट एक्वायर करने गई, और जैसे ही इन दोनों देशों में कंपनी का बिजनेस चल पड़ा फिर तो मानो आग ही लग गई। अपनी इनकम दिखाते हुए ओयो ने सॉफ्टबैंक से $200 मिलियन और उठाए और 2018 में यूके, यूएई, दुबई, चाइना, सिंगापुर और इंडोनेशिया में ऑपरेशन स्टार्ट करने के बाद अपने स्टार्टअप को एक एम्पायर का रूप दे दिया और सितंबर 2018 में $1 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ ओयो एक यूनिकॉर्न बन गया। मार्च 2019 में ग्रीन ऑक्स, सिकोया इंडिया, लाइट स्पीड इंडिया, हीरो एंटरप्राइजेस, सॉफ्टबैंक एंड चाइना लॉगिंग ग्रुप जैसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स के सपोर्ट के साथ ओयो सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ने लगा। उस वक्त दुनिया भर के 500 से भी ज्यादा शहरों में ओयो के पास करीब 3,30,000 कमरे थे, जो इतना चलते थे कि उस दौर में हर 3 सेकंड में एक ओयो रूम बुक किया जाता था। और इसी सक्सेस के कॉन्फिडेंस में रितेश अग्रवाल ने डंके की चोट पे ये ऐलान कर दिया था कि 2023 तक वो ओयो को विश्व की सबसे बड़ी होटल चेन बना देंगे। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2019 में ओयो केवल $53 मिलियन का लॉस कर रही थी, जो किसी यूनिकॉर्न लेवल स्टार्टअप के लिए न्यूट्रल होता है अगर वो हर साल ग्रोथ कर रहा हो। यहाँ तक कि इन्वेस्टर्स ये तक कह रहे थे कि अगले साल से ओयो प्रॉपर प्रॉफिट जनरेट करने लगेगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने ओयो को हमेशा के लिए ऑफ ट्रैक कर दिया, और वो था 2019 के दिसंबर में ग्लोबली फैलने वाला कोरोना वायरस पेंडेमिक। चाइना में तो कोविड ने नवंबर में ही अपनी पकड़ बनानी तेज कर ली थी, जिस वजह से वहां पर तो काफी अर्ली स्टेजेस में ही ओयो को अपने ऑपरेशन सस्पेंड करने पड़े थे। लेकिन जनवरी आते आते दुनिया भर के सभी देशों ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदियां लगा दी थी। भारत के कई हिस्सों में तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी बंद कर दी गई थी, और बाकी मार्च आते आते तो सारा लॉकडाउन ही लग गया था और आदमी को घर से निकलने को ही नहीं मिल रहा
तो वो होटल में क्या ही रुकेगा, जिस वजह से करीब एक साल तक ओयो के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलमोस्ट जीरो हो गई। उस दौरान इसी वजह से ओयो ने अपने 18,000 कर्मचारियों में से करीब 25% लोगों को फायर कर दिया था। लेकिन फिर भी आपको कंपनी को संभालने के लिए कुछ कर्मचारी तो चाहिए ही होंगे। बोले तो घूम फिर कर बात फिर वही आ गई कि भले ही आपका बिजनेस चल ना रहा हो, लेकिन कुछ फिक्स्ड कॉस्ट जैसे सैलरीज वगैरह तो बिजनेस को रेगुलरली पे करनी ही पड़ती है। और धीरे धीरे कस्टमर के ना होने की वजह से हालत इतने बुरे हो गए कि जो ओयो 2020 से प्रॉफिट जनरेट करने वाली थी और 2023 में दुनिया की सबसे बड़ी चेन होटल बनने वाली थी, उसी ओयो ने 2022 की फाइलिंग में करीब $300 मिलियन का लॉस डिक्लेयर किया। इवन आज भी कंपनीज के लिए ऐसा कहा जाता है कि ओयो को हर मिनट करीब 8,000 रुपए का लॉस होता है, जो 90% भारतीयों की महीने की कमाई भी नहीं है। पर केवल यही इकलौती चिंता करने वाली बात नहीं है जो इस समय ओयो को परेशान कर रही है, बल्कि ओयो के लिए उससे भी बड़ी दिक्कत है होटल्स का छोड़कर जाना। और ये समस्या आज से नहीं बल्कि 3 साल पहले से। एक आर्टिकल के हिसाब से अप्रैल से नवंबर 2019 में करीब 700 होटल्स ने 100 शहरों में ओयो से पार्टनरशिप तोड़ दी थी। आज भी बहुत से पेजेज ऐसा दावा करते हैं कि भले ही ओयो अपने साथ बहुत से होटलों को जोड़ रहा हो, लेकिन फिर भी बहुत से एग्जिस्टिंग होटल्स लगातार ओयो फ्रेंचाइजी से बैकआउट करने लगे, जिसका रीजन ज्यादातर केसेस में तो ओयो द्वारा चार्ज किए गए मोटे चार्जेस होते हैं। लेकिन पिछले कई हफ्तों से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि होटल्स ओनर्स ओयो की रीसेंट पॉलिसी से भी काफी ज्यादा नाराज हैं, जो उनके बैकआउट करने की वजह को और ट्रिगर कर देता है। लॉकडाउन के बाद एक कारण जो मुझे पर्सनली कस्टमर इनसिक्योरिटी का कारण लगता है वो ये है ओयो की गुडविल। लॉकडाउन के पहले ओयो को एक ऐसी होटल चेन के रूप में देखा जाता था जो 1,000 रुपए में भी इतना फर्स्ट क्लास कमरा देते थे कि उसके सामने कई होटल्स के एक्सपेंसिव रूम्स भी फीके पड़ जाते थे, जिसका कारण फॉर्मूला था ओयो इक्वल्स टू कंप्लीट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। लेकिन इस बात से कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि आज भी जब आप किसी के मुंह से ओयो का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में फर्स्ट क्लास होटल या फिर अकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं आती, बल्कि कुछ और ही आता है, जो मुझे विश्वास है कि आप सब समझ गए होंगे। जिसका कारण हो सकता है कि शायद अब लोग फैमिली के साथ ओयो जाने में भी थोड़ा कतराते हैं। एक तो बढ़ता हुआ नुकसान, ऊपर से जाता हुआ ट्रस्ट, ऐसे में लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ओयो कभी भी वापस से अपनी पोजीशन को रिटेन कर पाएगा और प्रॉफिट जनरेट करने की हालत में आ पाएगा या नहीं। वेल, अगर इसका एक वर्ड में आंसर दे तो हाँ, ऐसा बिल्कुल होगा। देखो, ऐसा नहीं है कि जो ओयो के साथ हो रहा है वो दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ ओयो ही झेल रहा है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी अकोमोडेशन चेन एयरबीएनबी का स्टॉक भी अकेले इस साल 43% गिर चुका है। और एयरबीएनबी भी लास्ट क्वार्टर से पहले लगातार बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस उठा रही थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि सारी उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई है। ओयो आज भले ही लॉस में हो, लेकिन प्रपोज किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी साफ जाहिर करते हैं कि हर साल ओयो के रिवेन्यू में 30-40% का ग्रोथ रेट नजर आ रहा है। और अगर यही स्टेटस चलता रहा और अब कोई बड़ी आपदा नहीं आई तो पॉसिबली 2025 तक ओयो भी एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप में कन्वर्ट हो जाएगा। रही बात दुनिया के सबसे बड़ी होटल चेन बनने की, तो उस ख्वाब को कम से कम 5-6 सालों के लिए ओयो को भूलना पड़ेगा, क्योंकि बीच में आने वाले लॉकडाउन की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ओयो की ब्रांड वैल्यू काफी गिर गई है। इवन उस वक्त एक्सपेंशन के लिए जो फंड्स ओयो के पास थे वो लॉकडाउन के खर्चों को रिकवर करने के लिए ही एग्जॉस्ट हो गए। और यही कारण है कि आज जो स्थिति है उसको देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि इस वक्त ओयो एक तरह से स्क्रैच से सब कुछ शुरू कर रहा है। और रितेश अग्रवाल भी इस बात को जानते हुए इस वक्त पूरी इंडिया में अपने पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेट करते हुए ट्रैवल कर रहे हैं, जिसकी डिटेल्स जब वो ट्विटर में शेयर करते हैं तो ये बातें बताती हैं कि बंदा फ्यूचर ग्रोथ के लिए कितना एम्बिशियस और पेशेंट है। आज भले ही ओयो लॉसेज में है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए तो इन्वेस्टर्स काफी प्रॉफिट कमाने वाले हैं। बस जरूरत है तो थोड़े वक्त और भरोसे की। वैसे कभी आपने ओयो में स्टे किया है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखें ओयो।